परम सम्मान जो गुरु प्यारी साध संग जी सारे प्यार अति सत्कार चाहत गज के फते बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सब संगतां ने बड़े लंबे अरसे तो इस दीवान विच सशोभित होके बड़िया बड़िया महान शख्सियतों पासों आप सब संगतां ने प्रवचन श्रवण किए ने। तकरीबन 7 बजे तो लैके प्रोग्राम प्रारंभ होया सी, 12 बजे पूरी समाप्ति करनी सी, लेकिन जदों चंगे बुलारे कौम दे नेतड़का आगू स्टेज ते बोलदे ने फिर समा नहीं देखा जाता। सिर्फ दस चंद मिनटां वास्ते संगतां दे सन्मुख होया है। जदों इतनी महान शख्सियतां बोल जान तो फिर बोलन का कोई खास मायना नहीं रहिंदा। विद्या विचारी तो परोपकारी, ये जो विद्या के खेत्र विच ये जो ये अज एक कदम उठाया गया, अज तकरीबन सारे महापुरख विद्वान बार बार दास का नाम लै रहे सन, पर दास कुछ भी करन योगा नहीं है, कोई समर्था नहीं है पे मैं कोई कार्य कर सकां। ये जड़ा कार्य प्रारंभ किया है गुरमत कॉलेज दाता, तकरीबन हर वर्ग हर स्टेज पर जाके भी यह बेनती करता अपने सिख भाईचारे नूं, अज जे तुसीं कौम नूं बचाउणा है, कौम नूं उच्चियां बुलंदियां ते ले जाना चाहुंदे हो, कौम नूं हमेशा चढ़दी कला विच देखना चाहुंदे हो, ते इक्को इक जरिया है जे विद्या दे खेत्र विचों साडा उच्चा सुच्चा जीवन बन सके। तुसीं देखते हो क्रिश्चन लोग अज पूरे वर्ल्ड विच साए ने, ते कैदे नाल साए ने सिर्फ विद्या दे पक्ष तों। अज तुसीं पंजाब दी धरती जिसनूं सिक्खी दा धुरा सिक्खी दा केंद्र आपां मन्नदे हां, और साडे ही पंजाब दे विच कोई ऐसा पिंड जां शहर है जिथे कॉन्वेंट स्कूल ना खुला होवे। दास ने सिर्फ 2-4 बेनतियां करनियां ने, मैं कोई विद्वान नहीं, और सीधिया साधिया बेनतियां ने, इन्हां ते जे आप अमल कर लांगे तो साड़ी कौम नूं बहुत वड्डी होर सीध मिल सकती है। अज हर वर्ग विच उन्होंने हर दुनिया के कोने कोने ते पंजाब के हर पिंड विच कॉन्वेंट स्कूल खोले दे, और जिहड़ा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल दे विच पढ़ाई करता है, हुण मैं कनेडा ते अमेरिका की धरती का बहुत वड्डा दौरा करके आया है, और हर कंट्री विच दास जांदा है, हर व्यक्ति दे नाल मेरी गलबात होंदी है। यहूदी वर्ग की तुसी गल सुनी बाबा जी दे पासों, बाबा हरनाम सिंह जी पासों, दास ने यहूदी लिटरेचर भी पढ़िया, और यहूदी लिटरेचर कला पढ़िया नहीं, यहूदियों के नाल गलबात भी की, और उन्होंने जेडे गुण ने जे देखिए तो असं उन्होंने बहुत पछड़े हुए हैं। उन्हां दा नेम है सनिचरवार ते ऐतवार नूं उन्होंने कोई टैलीफोन अटेंड नहीं करना, सिर्फ परमेश्वर की याद विच उन्होंने समा बतीत करना, कोई कारोबार नहीं करना, और घरों नंगे पैरी चल के जाना धर्म स्थान ते नंगे पैरी, और किड्डी वड्डी उन्हां दी इह हिम्मत है जिहड़ा अपना टाइम स्पैशल इस पासे लाउंदे ने। ते गुरु साहब ने ते सानूं एड्डी वड्डी बख्शिश कीती, कहिंदे दिन राती अराधो प्यारे इक निमक ना कीजे ढीला, सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंत, गुरु दा सानूं इह हुक्म है
तो असं 10 मिनट कि दुकान च बहना पैजे तो घड़ियाँ देखनिया शुरू कर दें। माफ करना असं सिर्फ मूँह दिखावा और लंगर दे नजारे जा हाव भाव के गुरु घर जाना शुरू कर दिता है। सानू ना गुरु ग्रंथ साहब का डर ना पै ना संगत की बख्शिश का सानू कोई उत्साह मिलता है कि संगत विचों बैठ के सानू कुछ बख्शिश प्राप्त होवे। और जे जिंदगी विच इसे तरह आप सफर करते रहे तो कभी भी गुरु की बख्शिश नहीं प्राप्त होवेगी। और बेनती कर रहा सी कि क्रिश्चन लोग अज पूरे वर्ल्ड में विद्या के पक्ष तो पहुँचे ने। दास हर जगह पर हर प्रोग्राम बार बार बेनतियां करता अपीलां करता है जितने पंजाब के महापुरख ने जितने सिख जथेबंदियां ने साड़ी श्रोमणी जो श्रोमणी कमेटी कमेटी है और सारे रल मिल के इस पासे तगड़े होके आप हमला मारीे तो क्यों साढ़े बच्चे दूसरे स्कूलों में पढ़न। और जितने हुण ये स्कूल खुल रहे ने महापुरखों के वलों उत्थे खास तौर पर गुरमत की विद्या दिती जाती है। आ बच्चे आए ने स्कूल तो गुरु नानक इंटरनेशनल स्कूल हलवारा के बच्चे आए ने जेडे पहली क्लास के 3.5 साल के बच्चे ने उन्हां कोलों भी मूल मंत्र सुन लो। सो बच्चे नूं आपां बचपन तो काबू करांगे उहदी नींह मजबूत होएगी तो बिल्डिंग अपने आप बड़ी महान उछरेगी। और दास इस पासे ना जावे वेदांती साहब ने तुहानूं बड़े सजे ढंग दे नाल सेध दित्ती गुरबाणी जितना इस नूं सोध के विचार के पढ़ांगे उतनी गुरु दीआं बख्शां प्राप्त होणगीआं। आ जिहड़े गुरमत विद्यालय खोले जा रहे ने क्यों खोले जा रहे ने ये खोलन का मेन कारण अज भावें कोई BA MA भी पढ़ लैंदा ना बच्चा MA तो बाद मैं कई ऐसे लोग देखने PhD करके भी एडे 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 अहुदे दे जो पहुंचे ने जो पाठ करते हैं तो बहुत ज़्यादा गलत उच्चारण करते हैं। सो इस वास्ते गुरमत दायरिया की सानू बड़ी लोड़ है। ये जो शुरू तो लैके ऐसे कार्य चलते आए ने अज सानू ज़्यादा इस चीज़ की लोड़ है। गुरमत दायरे में आके आप गुरमत के धारनी हो के गुरु की विद्या विद्या चंगी तरह ग्रहण कर सकी कि सही तरह आप उच्चारण कर सकी उस्ताद तो बिना एक बख्शिश नहीं प्राप्त होंगी। सो अज जो गुरमत कॉलेज की प्रारंभता हुई है ये पूरे समुचे पंजाब के जो प्रमुख महापुरख ने और श्रोमणी कमेटी का जो बहुत वड्डा उपराला संयोग है ये चावला साहब और बाबा हरनाम सिंह की हिम्मत के नाल सारियां इन्होंने बुकल में लिया और जो सब तो पहला स्टैप जड़ा है पहला कदम आप नानक सर की धरती तो आप प्रारंभ किया। ये नानक सर की वो धरती जिथे जिस जगह पर बैठे हो बौली साहब बाबा नानक सिंह जी ने इतने घोर तप किया और उदों तो लैके धन बाबा ईश्वर सिंह जी समय से भी और उन्होंने तो बाद भी इतने भाई केर सोनी आके इतने गुरमत दियां क्लासां लाया करते सन बच्चों नूं दिने कथा कीर्तन सरवण उन्होंने सिखाउणा शब्द सिखाउणे कीर्तन की सिखलाई इतने कराई जाती सी। ये धरती ते उत्ते पहला ही बड़ी थंध्याई डुल चुकी है ते और एकांत एरिया होने के नाते ये जो जगह सिलेक्ट हुई है एक इलाके विच बहुत फखर ते माण दी गल है। सो ये जो विद्या का खेत्र गुरमत कॉलेज प्रारंभ होया ये दो बहुत वड्डियां बख्शिशा जो प्रचारक लोगों को मिलनिया ने प्रचारक तो बहुत बन रहे ने बाबा हरनाम सोनी बार बार टोक दे रहे सन अज जे ऐसे प्रचारक ने जो सू बाणी तो दूर कर रहे ने बाणी के किंतु परंतर कर रहे ने जो साड़ा इतिहास है उसनों विगाड़ कर रहे ने खेड़ू तोड़ मरोड़ कर रहे ने जड़िया एडिया वड्डिया शहादत ने उन्होंने तोड़ मरोड़ करी जा रहे ने तो फिर बाकी साड़ा जीवन बाकी की रह जाएगा इतिहास में इतना तोड़ मरोड़ करना। देखो बाबा दीप सिंह की शहादत में उस शहादत नहीं मानते भी सिर लथे तो लड़के नहीं दिखाया धन गुरु अर्जन पातशाह जी की एड्डी वड्डी शहादत शहीदां दे सरताज कहिंदे उहदे तत्ती तवी ते बैठे ही नहीं
देखो उबलदिया देगे में बाले नहीं खाते दे, देखो इतना इतिहास गंदला किया जा रहा है। मैं किनिया गल्ला गिण के दसा सरोवर अंदर किंतु परंतु किया जा रहा है। असं किधर जावे साडे वास्ते कोई थां नहीं। अज जे असं बच चखते हाँ अज जे सिखी बचीए तो पूर्ण महापुरखों के आश रहना बचीए सिखी। जितने पूर्ण महापुरुखों ने ब्रह्म की अवस्था में उन्होंने आसरे ये सिखी खड़ी है। तो जे आप ऐसे पूर्ण महापुरखों की संगत में जुड़े रहेंगे तो ऐसे लोग जो साढ़े विच रह के कलयुग के जसूस बन के साडे पैरावे विच साडे ते ढाल ला रहे ने ते उन्हां दे वार कदी साडे ते सफले नहीं हो जाणगे जे असी किसी पूर्ण महापुरख की संगत दे नाल जुड़े रहांगे। तो अजकल दुनिया के उत्ते पखंड भी बहुत चल रहा उहदे तों भी बचना है। पूर्ण महापुरखों की संगत करिया करो। इत्थे दो चीज़ां की खास तौर पर बहुत वड्डी बख्शिश, एक गुरु ग्रंथ साहब जी का अदब ते सत्कार। जे अपने मुर्शद दा साडे हिरदे अंदर अदब ते सत्कार नहीं आया तो असीं जिन्नी मर्जी विद्या पढ़ लईए तां वी असीं अधूरे आ। जे कल्ला सत्कार ही आ गया साडे अंदर विद्वता भी नहीं आई तो तां वी असीं अधूरे आ। दमदमी टकसाल जिसनूं बाबा दीप सिंह की संपर्दा तो चली आती है, जिसनों ये वर प्राप्त है कि जब पढ़ाई करनी गुरमत की विद्या लैनी तो दमदमी टकसाल के विचों प्राप्त करो। और नाल ये भी कहा जाता है कि जे गुरु ग्रंथ साहब का अदब ते सत्कार सीखना तो नानक साहब संपर्दा को सीखो। इतने हम तुम्हें दोनों चीज़ा मिल रही हैं और सारे महापुरुष कट्ठे होकर काम कर रहे हैं। ये तो वड्डी होर कृपा बख्शे की कोई निशानी है। सो इस वास्ते मेरा ज़्यादा हुण बोलना कोई मैड़ा नहीं रखता क्योंकि बहुत अदब ते सत्कार दे नाल सारे ही महापुरखां ने विद्वानां ने तुहानूं बहुत सच्चे ढंग दे नाल गुरमत दे धार दी होण दा जो संदेश दिता है। ये जो गुरमत कालज की प्रारंभता हुई है बार बार सारे ही गुरमुख प्यारे इस संगत नूं सुचेत कर रहे सन। दास भी हथ जोड़ के बिनती करता है कि यह जो कदम चुकया गया गुरमत कालज का यह कला दला कोई भी नहीं चला सकता। इत्थे अज तुहाडी सारयां दी सानूं लोड़ है। अज तुसीं इलाके दे सारे लोग इत्थे करीम पहुंचे हो। इत्थे देखो किसे कोलों कोई फीस नहीं लैनी, उन्होंने रहन का प्रबंध, उन्होंने खाण पीन का प्रबंध और विद्या जो सारी फ्री पढ़ाई जानी है। ये तो होर वड्डा सस्ता सौदा की हो सकता है। इस करके सारे गुरमुख प्यारे आप अपने नगर में ढंडोड़ा दो और गुरुद्वारों के अपील करो संगतान बार बार और बेशक तुम घरों घर भी डाना पवे। जो बच्चे 12 पढ़े ने जां 10 पढ़े ने तो उन्होंने प्रेरणा करके इतने लिया के तो उन्होंने एडमिशन दवाओ। तो जे कोई किसी को प्रेरणा करके गुरु के नाल गुरु की मत के नाल जोड़ता तो वह जो दसवंध है उन्होंने मिलता जरा किसी को कोई जोड़ता है तो आप दसवंध के क्यों ना भाईवाल बनीए। सो इस वास्ते तगड़े होकर हिम्मत के नाल सारे इधर तवज्जो दे के ताकि आपू गुरमत की सही सेध प्राप्त हो सके। गुरु ग्रंथ साहब का अदब ते सत्कार साढ़े हिरदे अंदर आ जाए तो साड़ी कौम साडा जो पंथ है होर चढ़ती कला में जो अगे उभर सके दुनिया के कोने कोने ते साडा जिहड़ा मैसेज जा सके। और अज जो गुरमुखी है इसनों पढ़ना अत जरूरी है। दास भी हर जगह पर जाके बाहरलियां कंट्री च भी यही बेनती करता रहिंदा है कि बच्चों के नाल घर में गुरमुखी बोलिया करो। जे तुसी घर का माहौल ऐसा रखोगे तो अपने आप बच्चे गुरमत दे धार दी रहेंगे। और कई बार असी अंग्रेज बनाना चाहते हैं जां इतों बाहर निकल के बाहरलियां स्टेटां दे जिवें हुणे महापुरख दस रहे सन दिल्ली में चल जाओ जां बॉम्बे कलकत्ते वाल चल जाओ तो उधर घर में हिंदी बोली जाती है। और जिस जगह पर रहते बचे हो तो उन्हें अपने आप ग्रहण हो जानी है। सानू लोड़ है अपनी मात बोली। सो इसलिए नाल नाल मात बोली अज जे दुनिया के अपना अपना मैसेज देना चाहते हैं अपना कोई किसी वर्ग में स्नेहा देना चाहते हाँ
ते गुरु साहब ने किनिया भाषा में बाणी उचारण की है और किनिया बोलिया भाषा के सतगुरु जी बोल के विचरे ने। अज सानू जरूरत है जिन्या वध तो वध बोलियां आ सकन उन्नियां चंगियां ने। हुण बाद हर कंट्री दे विच इंग्लिश विच बोलन दी भी लोड़ है, क्योंकि जे दूसरे धर्म के नाल किसी गोरे नाल गल करनी जां होर किसी यहूदी नाल गल करनी चाहे किसी भी बाहरले कंट्री के व्यक्ति नाल गल करनी तो तुहाडी पंजाबी गुरमुखी नूं कोई नहीं समझेगा। उस वक्त उहदी भाषा विच तुसीं उहनूं समझा सकोगे, जे सीधा जो समझाओगे उह सीधा असली सही टैक होवेगा। सो इस करके इन्हां चीज़ां की आप सारे तगड़े होके हिम्मत दे नाल जो उद्यम करके इस गुरमत कॉलेज नूं बहुत होर उच्चियां बुलंदियां ते लिजा के धन गुरु गोबिंद सिंह, धन गुरु नानक पातशाह जी और जिन्हां दे तपोस्थान ते बैठे हो धन धन प्यारे बाबा आनंद सिंह जी, उन्हां दीआं खुशियां असीसां दे बक्सां दे पात्र बन सकीए। अज दे इस महान समागम विच जो साढ़े कोल महान शख्सियत अति सत्कारयोग बाबा हरनाम सिंह जी दमदमी टकसाल, बाबा गुरदेव सिंह जी चंडीगढ़ तो, बाबा इंद्रपाल सिंह जी देवीवाल तो, बाबा हरपाल सिंह जी झोड़ा, बाबा मंगल सिंह जी मुगल चक, बाबा हरविंदर सिंह जी रौली, बाबा सुखजीत सिंह जी फिरोजपुर तो, उन्हां दी भी बड़ी वड्डी कुरबानी है। मैं उन्हां दा अति शुकराना करदा, धन्नवाद करदा। एक पासे प्रचारक इतने सोहणे कीर्तनीए, इन्ना मिठा उन्हां दी जबान ते रस ते नाल नाल स्पीकर दी सेवा भी उह कर रहे ने। देखो उतों लियाउण दा गड्डी दा किराया और सारा स्पीकर सेवा विच लै के आए ने फिरोजपुर तों, ते जो इहो जिहे गुरमुख साडे नाल मोढे नाल मोढा ला के चलणगे ते क्यों नहीं असीं अपने मिशन विच पास होवांगे, क्यों नहीं चढ़दी कला विच। सच वास्ते इहो जिहे व्यक्तियां दी सानूं वत्ती लोड़ है ते इहनां दा जन्म सकराना कीता जावे उहनां थोड़ा। और बहुत ही सत्कारयोग ज्ञानी जोगिंदर सिंह जी वेदांती जिन्हां दा दास दे नाल अथाह प्यार है, दास इन्हां नूं बड़े लंबे अरसे तो बहुत ज़्यादा दिलों प्यार करता है, जिथे भी मिलते ने एक बार मन गदगद हो जाता। कल ही बेनती की सी लेकिन पोले जे लफ्जा नाल कीती हुई बेनती देखो इत्थे पहुँचे ने, यही वड्डी प्यार दी निशानी होंदी है। और सरदार मलकीत सिंह दाखा, सरदार अमरजीत सिंह जी चावला जिन्होंने इस प्रोग्राम नूं हिम्मत करके उद्यम करके दिन रात एक करके उलीक के इस कार्ज की जो प्रारंभता करवाई, ये सारा सेहरा चावला साहब दे जांदा है जिन्होंने बहुत हिम्मत की। और बाबा बलजीत सिंह जी नानसर जिहड़े लंगर की सेवा कर रहे हैं, बाबा इंद्रपाल सिंह जी जोधा तो, बाबा चरणजीत सिंह गुजरवाल तो, बाबा सुरजीत सिंह जी और बहुत सारिया शख्सियतां जिन्हों का मैं नाम बोलना भुल गया होवांगा क्योंकि कई बार नहीं पता चलता। जितने भी गुरमुख प्यारे दूरों दरेडियों तुसीं आए हो सारिया संगतां नूं जीओ आया जीओ आया, जितने कदम रखे साढ़े सिर मत्थे ते लंगर गुरु का टुट पहुँचा होया है। कोई लंगर की तोट नहीं, बेंत लंगर पहुँचा है। कदे पकौड़ियां दे लंगर पकवान चल रहे सन और देखो बाबा आनंद सिंह जी की ऐसी कृपा बख्शिश, जिते भी प्रोग्राम होंदा है घरां तो सारे सत्संगी पका पका के लिया के संगतां विच वरतौंदे ने, इन्ना लंगर पहुँचा है, इन्ना ज़्यादा लंगर पहुँचा कि वेस्ट ना जाए। सारे गुरमुख प्यारिया ने लंगर सके तो बगैर किसी ने नहीं जाना, ये हथ जोड़ के बेनती है। हुण पहला अरदास होगी, अरदास तो बाद प्रसाद वरतेगा तो फिर सारे ने लंगर छक के फिर आप अपने स्थानों पर जाना है। और जो मीडिया वाले PTC चैनल तो भी न्यूज़ वाले पहुँचे ने, जो ये सारा प्रोग्राम PTC न्यूज़ पर दिखाया जाना है, सिख चैनल वाले KTV वाले जिन्होंने इस गुरमत समागम कॉलेज की प्रारंभता से KTV का कितना वड्डा उद्यम और सब तो पहला पहल इन्होंने कर दी कि 1000 पाउंड की सेवा KTV चैनल वालों इस कॉलेज वास्ते उन्होंने भेजना किया कि इस कॉलेज में 1000 पाउंड की सेवा असीं भेजांगे, उन्हों का अति धन्यवाद है। और कनेडा तो बाबा जोगिंदर जरनैल सिंह जी जिन्होंने इस प्रोग्राम की प्रारंभता से श्री अखंड पाठ साहब भी प्रकाश करवाए
और एक हज़ार डॉलर की सेवा इस कॉलेज वास्ते भेज रहे हैं। सो होर गुरमुख प्यारियो, ये तुहाडा अपना कार्ज है, अपना प्रोग्राम है, कोई मैं माया कट्ठी नहीं कर रही, ना मैं माया की लोड़ है। ये जिथे जिथे कितने लोड़ है, जिथे जिथे जो समान की लोड़ है, जो चाहिए है, जो कॉलेज वास्ते जिथे जिथे गतिविधियां की जरूरत है, उत्थे कोई भी सेवा कर सकता है। आप सारे रल मिल के मोढ़े ना मोढ़ा ला के इस कार्ज नूं आप सफल बनाइए और चढ़दी कला विच गुरु दीआं बख्शां ते शीशां दे आप पात्र बन सकीए। फिर दोबारा समुची साध संगत दा दास तह दिलो ऋणी कोटानकोट धनवाद और फतेह बुलाउंदा हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।